नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी के और एक हिंदी वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोवेल कोरोना वायरस या फिर जिसको कहा जाता है SARS-CoV-2 वायरस कैसे हमको इन्फेक्ट करता है और कैसे ये स्प्रेड होता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसके जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। कि ये वायरस कैसे हमको इन्फेक्ट करता है। हम सब तो आप यहां तक जान चुके हैं कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है। कैसे स्प्रेड होता है? जैसे आप खांसी या फिर छींकने से उसके साथ जो ड्रॉपलेट निकलता है, उस ड्रॉपलेट के अंदर वायरल पार्टिकल्स रहता है। और वायरल पार्टिकल्स, मानो कि आपके सामने कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, और वो छींक दिया। आप एक फुट के अंदर हो या फिर दो फुट के अंदर हो और आपने मास्क नहीं पहना हो, या फिर वो जो जिसने छींका है वो भी मास्क नहीं पहना है, तो अभी क्या होगा, आप ड्रॉपलेट को जब भी आप इनहेल करेंगे, ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चला जाएगा, वायरस आपके अंदर चला जाएगा, जाके इन्फेक्शन कर देगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जिनको हो रहा है कोविड-19 वो मास्क पहने। अभी बात यह है कि किसको पता चलेगा कि उनको हो रहा है या नहीं, क्योंकि इंडिया में 20-30% जो कोविड-19 के केस है वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको पता ही नहीं है, कोई तरीके का सिम्टम ही नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है कि हर कोई मास्क पहने, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि आप खुद कैरियर हो या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर सिम्टम नहीं आ रहा है मगर आपके अंदर वायरस है, तो आप अगर खांस दो और छींक दो तो किसी और को हो सकता है, इसलिए आप मास्क पहन के चलो, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, अभी बात यह है कि हम स्प्रेड के बारे में जानते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी वायरस आप ले लेते हो अंदर, वायरस यहां से होते हुए नजल कैविटी से होते हुए अंदर जाता है और जाकर लंग को इन्फेक्ट करता है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन है इसके टाइम पे कैसा होगा, ये मान लो हमारे बॉडी के जो कोशिका है, सेल, हमारा सेल है ये, और ये है वायरस। वायरस को मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये है वायरस। मैं बहुत बार वायरस ड्रॉ कर चुका हूँ पहले भी, बहुत सारे टॉपिक को समझाने के लिए। तो ये जो वायरस है, आपको मानना है कि वायरस के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन कहते हैं बल्टीमोर क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हो, अलग से वीडियो मेरे चैनल पे है। तो इस वायरस में ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस जो है, आरएनए वायरस मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, डीएनए नहीं है। नॉर्मली हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और आरएनए वायरस का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है वायरस के लिए, वो क्या है, एक तो है कि ये आरएनए, ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रैंड, कोई चार्ज की बात नहीं है। इसको कहा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव मतलब वो आरएनए खुद को यूज करके प्रोटीन बना सकता है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो है प्रोटीन बना सकता है। और एक बात है कि ये जो आरएनए है, ये आरएनए वायरस क्या करता है, ये आरएनए खुद एक आरएनए से दूसरा आरएनए को बना सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक आरएनए से ऐसे 100,000 आरएनए ये बना सकता है बिना शरीर के न्यूक्लियस, मतलब कोश के न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश किए। मतलब ये आरएनए जब भी सेल हमारे कोशिका के अंदर आ जाएगा, वायरस के आरएनए, तो ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रहकर ही प्रोटीन भी बना लेगा, अपना आरएनए को कॉपी भी कर लेगा। और जब आरएनए कॉपी रेडी हो जाएगा, प्रोटीन रेडी हो जाएगा, तो प्रोटीन के अंदर ही आरएनए कॉपी को पैक कर लेगा, नया वायरस रेडी कर लेगा और बाहर आ जाएगा। यही है वायरस का अटैक प्रोसेस है, अटैक स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको बताया कि आरएनए जो होने, आरएनए वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होने का कुछ सुविधाएं है वायरस के लिए। क्या है, एक बात तो ये कि डायरेक्टली प्रोटीन आरएनए बना सकता है और ये बहुत फास्ट काम करता है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि ये फास्ट काम कर सकता है। सेकेंड थिंग है कि आरएनए वायरस बहुत जल्दी से जल्दी खुद को चेंज कर सकता है, मतलब आरएनए का जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकता है। और उसको चेंज करने के साथ साथ ये जो प्रोटीन है जो हम देख पा रहे हैं बाहर की तरफ, एक सिर्फ एक प्रोटीन नहीं होता है, वो और भी दो तीन तरीके का प्रोटीन है, वो सारे के सारे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी ये चेंज कर सकता है, तो बहुत जल्दी चेंज कर सकता है, तो ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर सकता है और बहुत ही फास्ट खुद को चेंज कर सकता है। इसलिए ये वायरस बहुत डेंजरस माना जाता है, आरएनए, कोई भी आरएनए वायरस को बहुत डेंजरस माना जाता है, क्योंकि खुद को बहुत चेंज करता है। तो यही हो रहा है कि जो युहान लैब देखो या फिर कहीं पे देखो, युहान शहर में जो वायरस आया था उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सीक्वेंस है, अभी जो इंडिया में आया है वो वायरस का सीक्वेंस एक नहीं है, अलग है। तो ये वायरस थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर चुका है, और ऐसे देखा गया 40-50 टाइप का मॉडिफिकेशन ये कर चुका है अभी तक।
तो इसको लेकर काम चल रहा है। अभी बात यह है कि यह वायरस कैसे अटैक करेगा, यह हमारे कोशिका और इसके सरफेस में एक रिसेप्टर है और रिसेप्टर का नाम है ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर, पर्टिकुलरली लंग्स में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर में ये जाके बाइंड हो जाता है और यही सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि नॉर्मली ये वायरस हमें पहले अटैक नहीं करती थी, ये एनिमल में ही रहता था। अभी क्या हो गया, ये ऐसे कुछ प्रोटीन तैयार कर लिया कि जाके इस रिसेप्टर में बाइंड। नॉर्मली तो ये बाइंड नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये तो हमारा रिसेप्टर है, हमारे प्रोटीन के लिए है ना, वायरस प्रोटीन के लिए नहीं बना था। मगर अभी वायरस जाके इस खुद को ऐसे मॉडिफाई कर लिया कि वायरस में ऐसा प्रोटीन पाया जा रहा है जो जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में बाइंड कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर ये वायरस ऐसे प्रवेश कर जाएगा। तो आपको दिखाते हैं इसको, ऐसे यही होगा, यो रिसेप्टर और ये है वायरस, ऐसे जो है वायरस इसके अंदर आ जाएगा एक वेसिकल, एक वेसल में, ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे वेसल के अंदर आ गया, तो ये वेसिकल जब फॉर्म हो गया उसके बाद क्या होता है, आरएनए को बाहर आना होता है। तो ये स्टेप नंबर वन है, बाइंडिंग टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर, AC2 रिसेप्टर। उसके बाद स्टेप नंबर टू क्या है, वेसिकल बनना और अंदर की तरफ आना। अब स्टेप थ्री देखेंगे, जहां पर हमारे सेल के अंदर ही और एक ऐसे वेसिकल होता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, उसके अंदर बहुत से एसिडिक कंटेंट होता है। तो ये लाइसोसोम आके क्या होता है, इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है इस वेसिकल के साथ, तो एसिड जो है वो इस वेसिकल के अंदर आ जाता है और आने के साथ साथ एसिड क्या करता है, ये वायरस का जो भी प्रोटीन है वगैरह कुछ भी, ये स्ट्रक्चर को डिसॉल्व कर देता है, इसको रिलीज कर देता है, आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है और रिलीज होके वो बाहर आ जाता है। बाहर कहां आ जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमारे कोश के बारे में और बात करते हैं, तो कोशिक में एक ये सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और बाकी के जो जगह है वो मोस्टली पानी से बना हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आ जाता है और उसके लिए ये फ्यूजन, लाइसोसोम फ्यूजन बहुत जरूरी होता है। लाइसोसोम फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, जो आरएनए है वो बाहर आ जाता है और वो फाइनली साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए है, मैंने आपको बताया कि प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो ये आरएनए डायरेक्टली क्या करता है, हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ऐसा कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनेल बोलते हैं हम उसको, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम को यूज करके प्रोटीन बना लेता है, राइबोसोम को बोलते हैं हम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। तो राइबोसोम को यूज करके ये खुद का जो है प्रोटीन बना लेता है, जो वायरल प्रोटीन है ये बना लेता है। यही वायरस का एक अटैक करने वाली बात होता है कि वायरस जब अटैक करता है तो होस्ट, मतलब जिसको अटैक करता है उसका जो भी सेल है उसका मशीनरी खुद ले लेता है, हाइजैक कर लेता है। कैसे करता है, इसके लिए बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन से वायरस यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये खुद की आरएनए को यूज करके और भी आरएनए बना सकता है सेम, इसके लिए एक प्रोटीन यूज करता है जिसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन जो हमारे कोशिका के अंदर है, जो इस वायरस को बाधा देने की कोशिश करता है, उसको मारने के लिए और एक प्रोटीन का सहारा लेता है जिसका नाम है प्रोटीएज, मतलब ये और एक एंजाइम जो दूसरे प्रोटीन को खा जाता है, तोड़ देता है। तो मानो ये आरएनए खुद को यूज करके पहले तो बहुत सारे कॉपी आरएनए बना लेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन भी बना लेगा। तो प्रोटीन और आरएनए दोनों जब बना लेगा तो प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के बना हुआ ये जो कैप्सूल फिर से बनाएगा, उसके अंदर आरएनए को ये इंसर्ट कर देगा। उसको कर देने के बाद क्या होगा, ये वायरस नया नया छोटा छोटा जो है वायरस बना लेगा और वो वायरस बनाने के बाद यही होस्ट सेल को तोड़कर वायरस बाहर आ जाएगा। यही बात होता है, ये जो नया वायरस बाहर आएगा इस हिसाब से, इसी को हम कहते हैं वायरल रिप्रोडक्शन, मतलब एक वायरस से हजारों वायरस सेल के अंदर, और जैसे ये बन रहा है वैसे ही हमारे सेल को ये तोड़ रहा है, तोड़ के बाहर आ रहा है। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब आपको क्या हो रहा है, खांसी हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर का जो सेल है वो डैमेज हो रहा है,
ठीक है, वायरस उसको डैमेज कर रहा है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत बड़ा हो गया वीडियो मगर फिर भी बहुत सारी चीज बोलना था इसलिए बड़ा हुआ। तो चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास कोरोना रिलेटेड वीडियो पहुंच पाए और दूसरे बहुत सारे वीडियो भी पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन अगर चाहिए तो इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है इसी चैनल पर, सेम वीडियो आप देख सकते हो, बंगाली वर्जन में भी अवेलेबल है आप देख सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट कोविड-19 ट्रीटमेंट, होप दैट हेल्प्स, बाय।